दिस प्रोजेक्ट इज अंडर टूरिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर CBSP। इसके अंदर कुछ सेट मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हम लोगों को प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देते हैं। कुछ महीने पहले विद गाइडेंस ऑफ ओवर MD मिस्टर कमला वर्धन राव जी एंड डायरेक्टर कमर्शियल मिस्टर पीयूष तिवारी जी, वी वर इंस्ट्रक्टेड दैट कीपिंग इन माइंड द G20 समिट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया, वी शुड ट्रेन द टैक्सी ड्राइवर्स नॉट ओनली इन जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, फर्स्ट एड, पोस्ट कोविड ऑपरेशंस, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, वी शुड गो फॉर सम फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो। द मेन एम इज टू मेक द कैब एसोसिएट्स मोर कॉन्फिडेंट वाइल डीलिंग विद द फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट। अभी नियरली 300 कैब एसोसिएट्स ड्राइवर्स वी हैव ट्रेन, एंड मेन थिंग इज दैट नियरली 50% ऑफ द लेडीज कैब एसोसिएट वी हैव ट्रेन, और इसमें जो है आगे हमारा टारगेट है, इट विल बी अ कंटिन्यू प्रोसेस, और इन फ्यूचर एज बीइंग एडवाइज बाय ओवर MD सर मिस्टर वर्धना राव जी एंड DCM सर पीयूष तिवारी जी, वी आर गोइंग टू मेक इट पैन इंडिया। वी आर प्लानिंग टू गिव दिस ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया। कि यहाँ पे जर्मन की क्लास होती है तो मैंने भी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास लेके, कुछ कुछ वर्ड मुझे समझ में आए और मैं यूज़ भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा था, खुश हो गए थे कि ड्राइविंग लाइन में ये सब भी सीखने को मिल रहा है, दूसरे भाषा की लैंग्वेज सीखने को मिल रहा है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि इस लाइन में अक्सर मतलब नॉर्मली भाषा बोला जाता है हमारे देश में तो, और गर्ल्स को तो बिल्कुल ही नहीं इस लाइन को बोलते, लेकिन जब हमने अलग किया और ये लैंग्वेज इस्तेमाल करी तो हमारी फैमिली भी बहुत खुश हुई थी। पहले हिचक थी, इसीलिए मैंने ये यानी क्लास करने की सोचा, और जब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात तो ये है सर कि जैसे कि हम लोग डेली बेस पर ड्राइव करते हैं तो हमारा जो हमें अर्निंग होती है वो किसी हद तक हमें उतना सर्वाइव नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये हमें इन्होंने स्पेशल हमें पे भी किया है ना, ITDC ने हमें पे भी किया है, तो यानी जो मिनिमम अमाउंट हमें वो भी कवर हो रहा है और कुछ अच्छा सीखने के लिए भी मिल रहा है। और सीखने का फ़ायदा ये है सर कि हम अपने को अपडेट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें यानी वो होगी। नॉर्मल सिर्फ हम अभी हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा, इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब टूरिस्ट आते हैं तो हम उनको ले जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, है ना, कि हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ नहीं होगा, है ना, तो इसलिए अब हमें उसको सीख लेंगे हम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है।